ओके, और घर भी आप ही का है? घर भी मेरा ही है। और उस पर भी केस चल रहा है? उस पर भी उसने केस कर दिया कि इससे जिस चीज़ में इसकी जान है ना वो चीज़ इससे छीनूंगा। अनफाल में इसकी जान है, अनफाल इससे छीनूंगा, इसके घर पे इसकी जान है। मैंने अपनी पूरी सोशल 6 साल से मैं मीडिया में काम कर रही हूँ, मैंने बहुत बोल में 2 साल से मैं काम कर रही हूँ, मैंने इतनी मेहनत से सब जमा किया और उस घर को बनाया। वही घर मुझसे छीनना चाहता है, वो बोलता है इससे इसका घर छीनूंगा। इसमें इसकी जिस चीज़ में कमज़ोरी है ना वो सारी कमज़ोरियाँ इससे लूँगा। और इसको तो आई बिलीव एक अच्छे शौहर वो यही करते हैं कि जब तलाक देते हैं गोरे भी तो वो ज़्यादातर बेगम को घर में रखते हैं और वो खुद चले जाते हैं। ये इसी तरह होता है। मेरा तो अपना घर था। हाँ, तो इसी तरह होता है दस्तूर। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस दैट वो आपसे इतनी खुदनस क्यों निकाल रहा है? खुदनस नहीं है, ये जिद है कि मैं। और आप उस बंदे के माँ बाप को भी नहीं जानती? माँ बाप को जानती हूँ, उसके माँ बाप ने उसको फ्री हैंड दिया, जो करना है उसके साथ करो। उनकी पोती भी है, फिर भी उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा। उनके अबू ने बोला है मेरी बच्ची मेरे पास से ले आओ, जैसी वो है वो उसको भी वैसा बना देगी। मेरी बच्ची, उनकी बच्ची मेरी बच्ची है, वो मैंने पैदा किया है, मैंने रखा है, मैंने अपना आप ज़ाया किया है, मैंने अपने अब इतने दर्द हैं, इतने दुख हैं, उसके बाद मेरे पास एक बच्ची रखने का भी हक नहीं है। और बेटियां तो वैसे भी माँ की होती है, उसके घर में इतनी बड़ी फैमिली है, उसके अपने घर में बच्चे हैं इतने, वो उनके साथ खुश रहना। मैं सिर्फ एक बच्ची चाहती हूँ अपनी। मेरी बच्ची भी मेरे पास, मेरा घर भी मुझसे छीनना चाहता है, मेरी बच्ची भी मुझसे छीनना चाहता है और मुझे भी नुकसान पहुँचाना चाहता है। मैं खुश नहीं रह सकती। मैं अगर 2 दिन सोशल मीडिया पर खुशी से कोई पिक्चर या कोई वीडियो लगा देती हूँ, दूसरे दिन कोई ऐसी हरकत करता है कि बस इसके आंसू, आँखों से खून के आंसू लाने। मैं खुश भी नहीं रह सकती, मुझे खुश तो देखना ही नहीं है उसने। आई थिंक दैट मुझे ये लगता है दैट यू शुड नॉट वरी। थोड़ा सा वो एक होता है ना दैट ठीक है गलती कर ली, अब मुश्किल कठिन रास्ता है लेकिन उस रास्ते से चलना है। हाँ, और एट द सेम टाइम चलना भी है। एंड आई एम सो ग्लैड कि आपने यहाँ बैठकर हर चीज़ खोली है। मतलब अपना एक होता है ना, अपने ज़िंदगी के फियर्स, सारी चीज़ें, कोई चीज़ फिल्टर वाली नहीं की, क्योंकि इससे ज्यादा मैं बता नहीं सकती, क्योंकि अगर इससे ये तो मैंने वो नहीं बताया जो मेरे साथ हुआ है इन दिनों में। हाँ। ये मैंने वो नहीं बताया जो उसके लफ्ज़ होते हैं मुझे इस्तेमाल करने के लिए, मतलब जिस तरह के लफ्ज़ों में मुझे वो लोगों के सामने बैठ के बयान करता है। यहाँ बोल में कितने सारे जानने वाले, सबको, मेरे दोस्तों के आगे जो मेरी रेपुटेशन वो ख़राब करता है, लोगों के आगे मेरे लिए जो गंदे गंदे लफ्ज़ निकालता है, ये तो मैं बता भी नहीं सकती। ऐसे लफ्ज़ हैं जो उसकी सोच है मेरे लिए, उसके दिमाग में। उसके घर वाले मुझे इतना गलत बोलते हैं कि नाचने वाली है, बोल जाके नाचती हूँ। यहाँ पे नाचते हैं, एक बात तो क्लियर कर दें, यहाँ पे नहीं नाचते क्या। आई बिलीव एंटरटेनमेंट है और एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट की तरह ही लेना चाहिए। और मैं इस चीज़ से बिल्कुल खिलाफ हूँ जहाँ लोग हर चीज़ को कैटेगराइज करते हैं। आप उस औरत को बुरा भी बोलते हो, फिर आप उस औरत को बीवी भी बनाना चाहते हो, रहना भी चाहते हो, उसका पीछा भी नहीं छोड़ते। ये दिस इज़ रियली नॉट गुड। एंड एट द सेम टाइम जितने भी यंग बच्चियाँ देख रही है, जिनको लगता है कि लाइफ में अगर कुछ दोस्त मिल जाते हैं, वो दोस्त किसी से मिलवा देते हैं, वो इंसान का बैकग्राउंड किसी को पता नहीं होता, या आपको लगता है कि बहुत ही फाइनेंशियली स्टेबल है, और वो इंसान स्टेबल तो होता है लेकिन मेंटली अनस्टेबल होता है। सो डू नॉट गो फॉर दैट। अभी हम आपसे मज़ीद बातें बोलेंगे और पूछेंगे भी, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। एक मिनट में with me Matira, आखिरी खिलाड़ी कौन? That's the catch. किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।